ऐसी जमी और आसमान इनके सिवा जाए कहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुंतजिर बहती और मैं आपको शेयर कराने जा रहा हूँ मकली शहर की, जो कि मुगलों के दौर में एक आबाद शहर हुआ करता। मकली अपने मुनफरिद स्ट्रक्चर की वजह से जाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मुगलों के दौर की जेल हुआ करती थी, जहाँ पे मुगल अपने कैदियों को कैद किया करते। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कमरे बनाए गए जहाँ पे मुगल अपने कैदियों को कैद करके रखते थे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये टॉम्ब ऑफ ईसा खान, जो कि शाहजहां के दौर में गवर्नर मुकर्रर किए गए। इनकी वफात 1612 में। मकली अपनी खसूसियात की वजह से बहुत मुनफरिद शहर है। तो आइए जानते हैं मकली के रिहायशी से मकली के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुफिया अलद्दीन उर्फ बाबू भाई। मकली के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे? मकली जो है तारीखी शहर है। ये शहर जो है ये यहाँ पर जो है अरब से लोग आए, मोहम्मद बिन कासिम जो है वहाँ से आए, उन्होंने इसे फतेह किया, राजा दायर की हुकूमत ख़त्म की, यहाँ से लेके मुल्तान तलक अब इस्लाम फैला और ये बाबुल इस्लाम कहलाता है। यहाँ सारे मज़ारात हैं। हमने यहाँ पे मुगलों के दौर के गवर्नरों की भी कब्रें देखी। बिल्कुल है, ये काजी साहब का मज़ार है, आगे चले जाओ सप्ताह मज़ार ही मज़ार है, सारे सबसे गवर्नर हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी आदमी गुजरे यहाँ पर। अच्छा, मकली का कब्रिस्तान मैंने सुना है कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, मस्जिद नबी के बाद वो भी एशिया में आता है, मगर ये सबसे बड़ा जो इसलिए है तो वो तो साहबा के मज़ार है, यहाँ पे शहीदों के मज़ार है, उन्होंने इस्लाम फैलाया, इस लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो आपने सुना मकली के बारे में। मकली की इन हैरत अंगेज खसूसियात का मुशाहिदा करते हुए मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि तारीखी मकामात की हिफाजत कितनी अहम। ये सिर्फ कदीम पत्थर है, ये हमारी माजी की कहानियाँ बयान करते हैं। तो आइए इनकी कदर करें, इनकी हिफाजत करें और इन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाएं। तो अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह।